सो आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था दांतों के बारे में, ठीक है, जो एक अहम भूमिका निभाते हैं मानव पाचन में, ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो एक बाईपास सब्जेक्ट, बाईपास एक टॉपिक था जो हमने पहले ही उसे कवर कर लिया इसीलिए, ठीक है। अगर पाचन की हम बात करें तो पाचन एक पाचन, ठीक है, तो पाचन जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियो केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजियोकेमिकल का मतलब है कि इसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल जो आपकी प्रोसेसिंग ऑफ फूड होती है, ठीक है। फिजिकली कैसे, जैसे दांतों से हम उसे चबाते हैं, और केमिकली इन मीन्स कि उस पर किस किस प्रकार के अलग अलग जूसेस का द्वारा उसका पाचन होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन में कौन कौन सी चीजों का डाइजेशन होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, ठीक है जी, और फैट, ठीक है। इसके अलावा किस किस की डाइजेशन नहीं होती, तो वो है वाटर, ठीक है जी, मिनरल्स और विटामिन्स की, ठीक है जी। तो इन्हें क्या किया जाता है, तो डायरेक्टली शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको इसीलिए इनकी क्या नहीं होती, डायरेक्टली वो नहीं होती, पाचन की इनकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। पाचन का मतलब क्या है, तो पाचन का मतलब है कि ऐसे जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में टूटना, तो पहले से ये छोटे पदार्थ है इसीलिए इन्हें फर्दर तोड़ने की जरूरत नहीं होती। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल कैविटी की या माउथ की। तो माउथ में जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमने जो बेसिकली हमने कर ली है, तो वो है दांतों के बारे में, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, किन के बारे में, तो लार ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथियां, ठीक है, तो लार ग्रंथियों के बारे में, जिन्हें क्या कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, हमारे मुंह में बेसिकली तीन प्रकार की ग्लैंड्स जो है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसमें एक पहली है पैरोटिड ग्लैंड और दूसरी है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। इन तीन प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में पाई जाती है। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि सलाइवा जो है उसमें किस किस प्रकार के एंजाइम हमारे मुंह में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पाया जाता है मुंह में, वो पाया जाता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम, ठीक है। अब हमारे मुंह में क्या होता है कि कई बार जैसे हम खाना खाते हैं, तो डायरेक्टली जैसे हम बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे मुंह में कोई पैथोजेंस या फिर जिसे आप कह सकते हैं रोगाणु हमारे मुंह में चले जाए, तो उन रोगाणुओं के नाश के लिए ये ग्लैंड्स, ये जो सलाइवा होता है वो क्या, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइजोजाइम, ठीक है। तो हम कहेंगे रोगाणुओं का नाश, रोगाणुओं का नाश, तो रोगाणुओं का नाश बेसिकली कौन करेगा, लाइजोजाइम, ठीक है जी। सेकंड में हमारे मुंह में पाई जाती है टाइलीन, टाइलीन, ठीक है। अब ये जो टाइलीन जो एंजाइम है, ये इनका काम है, इसका काम है मंड का पाचन। अब ये मंड क्या चीज है, मंड का पाचन, ठीक है जी। तो मंड होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज C12H22O11, शुगर कहा जाता है इसे, ठीक है जी, तो इसे शुगर कहा जाता है। और तीसरी चीज जो हमारे मुंह में पाई जाती है, जो सॉरी सलाइवा के अंदर जो पाई जाती है, वो है म्यूकस, ठीक है जी, म्यूकस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे श्लेष्मा, ठीक है। अब इस श्लेष्मा का क्या कार्य है, तो इसका काम है भोजन को चिपचिपा करना, भोजन को चिपचिपा करना, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे मुंह में, ठीक है, तो इस ये तीन प्रकार के एंजाइम्स हमारे मुंह में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इनमें सबसे बड़ी होती है पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है जी, पैरोटाइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है, लिख लेता हूं, सबसे बड़ी, ठीक है जी, पैरोटाइड ग्लैंड सबसे बड़ी है, ठीक है। सांप में जो जहर बनता है वो इसी पैरोटाइड ग्लैंड की वजह से बनता है,
ठीक है, उसके अंदर जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है उसकी वजह से बनता है। देखिए ह्यूमंस में अगर बात करें तो ये जो आपके दोनों साइड जो आपके चिक है, ठीक है जी, ये क्या बोलते हैं इन्हें, गाल जो है, गाल के दोनों तरफ ये पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी आकार में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो अगर हम बात करें, सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये पाई जाती है इधर होंठों के नीचे। ठीक है, और जो थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सबलिंगुअल से आप याद रखेंगे कहां पे ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जीभ के नीचे। ठीक है, तो हमने बात कर ली सलाइवा के बारे में कि सलाइवा में किस किस अच्छा टाइलिन के अलावा एक और हमारे मुंह में एंजाइम पाया जाता है जिसका काम है मंड का पाचन। ठीक है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, मुंह में ही हो जाता है। अच्छा, वो होता है डाइस्टेज, जो एक एंजाइम है उसका काम भी क्या है, तो वो भी मंड का ही पाचन करता है। ठीक है जी, तो अब आगे बात करते हैं यॉसोफेगस के बारे में, दैट इज फूड पाइप के बारे में। ठीक है जी, फूड पाइप। देखिए, अब जो मुंह में जो आपका मंड है उसकी तो हो गई डाइजेशन, ठीक है, उसकी डाइजेशन होगी, लेकिन अभी भी उसके अंदर प्रोटीन, फैट, ठीक है, फैट मतलब वसा, ठीक है जी, ये सारी चीजें अभी भी उसमें उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक भोजन अच्छे से पचा नहीं है। ऐसा भोजन जो मुंह से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से पचा नहीं है, उसे कहा जाता है बोलस, कहा जाता है बोलस। ठीक है, वो जो बोलस है, वो जो फूड है, वो पहुंच जाता है फूड पाइप के अंदर। देखिए, फूड पाइप के अंदर जो है, जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब भी आप भोजन को निगलते हैं तो कभी ऐसा नहीं कि भोजन डायरेक्टली कहाँ गिरेगा, नीचे जा गिरेगा, उसका क्या होगा, वो धीरे 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 होता हुआ स्टमक की तरफ को बढ़ेगा, आमाशय की तरफ को बढ़ेगा। अब होता ही ये है कि जब वो फूड धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट जब आप निकालते हैं तो वो अगर आप उसे उल्टा करेंगे तो उसमें से क्या टूथपेस्ट नहीं निकलेगा, वैसा ही होता है। अब वो जो पेस्ट की फॉर्म में है, बोलस जो है वो इस पाइप के अंदर से जा रहा है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये नीचे की तरफ को जाता है, उसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन। ठीक है जी, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप कहेंगे पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा फूड जो है वो फूड पाइप से होता होता कहां पहुंच जाता है, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। देखिए, फूड पाइप के अंदर क्या नहीं होते, डाइजेशन नहीं होती,